नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपको बताने वाला हूँ रेलवे रिक्रूटमेंट में यानी NTPC में आपका स्किल टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट हुआ था, उसका रिजल्ट है वो आ चुका है। तो आपको स्किल टेस्ट आपको रिजल्ट आ चुका है, तो रिजल्ट कैसे देखोगे आपको इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जो भी वीडियो हम लाएं वो सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड्स हम अब चलते हैं अपनी वीडियो पर। देखिए फ्रेंड्स हमको ये सरकारी रेल वेबसाइट खोल लेनी है, उस पर डायरेक्ट लिंक दी हुई है। तो वहाँ पर आने के बाद में देखिए इस वेबसाइट पर आ जाएंगे आप, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट RRB, तो इसमें दिया हुआ है देखिए दोस्त फ्रेंड्स, इसमें नीचे आ गई है डेट, देखिए सेकेंड राउंड DB सच में अवेलेबल यानी 17/11/2022 को आपका आ चुका था, और टाइपिंग स्किल टेस्ट रिजल्ट ये अवेलेबल यानी 30/11/2022 को यानी कल आपका 30/11/2022 को आपका आ चुका है, 2022 को आपका रिजल्ट आ गया है। तो फ्रेंड्स देखिए अब इसको कैसे निकालोगे आप, इसका टाइपिंग रिजल्ट इसका कैसे देखोगे, उसके लिए नीचे आना होगा, इसमें दिया है डाउनलोड टाइपिंग स्किल टेस्ट रिजल्ट, डाउनलोड टाइपिंग स्किल टेस्ट रिजल्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, ये क्लिक कर रही है, इस पर क्लिक कर पर क्लिक कर देना होगा आपको। देखिए ये क्लिक कर पर हमने क्लिक कर दिया, इस पर क्लिक कर पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये पेज ओपन होकर के आएगा। यहाँ पर आपसे एक रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपको अपना डाल देना है, आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो। इसके बाद में आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ लगती है वो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर डाल दें। उसके बाद में आपको लॉगिन पर क्लिक करना हो, और लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में फ्रेंड्स आपके सामने रिजल्ट होकर के आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना रिजल्ट निकाल सकते हो।